अब मजीद नायाब को कुछ मत कहिएगा, भेज रहा हूं अपने घर वालों को, मैं करूंगा उससे शादी। नहीं, नहीं फोन मिल रहा, सिग्नल्स का इशू होगा कोई, पता नहीं कहां रह गया ये लड़का। अब तो वाकई परेशानी वाली बात है, वो किसी का फोन अटेंड नहीं कर रहा। थैंक यू बीजी फॉर एडिंग टू आवर ट्रबल्स। आपने उसे बता दिया होगा ना मेरे वहां जाने के बारे में, वो नाराज होकर अब पता नहीं कहां चला गया। कैसी बातें कर रही हो तुम, सुबह से तो मेरी उससे बात तक नहीं हुई है भाई। तुम्हारे सामने अभी 10 दफा मैंने उसको कॉल किया है। आ गए हैं भाई, शुक्र है खुदा का। मैंने ठीक किया या गलत ये मैं नहीं जानता, पता नहीं उस लड़की के लिए मेरे दिल में हमदर्दी है या प्यार। अपनी फीलिंग्स को समझ क्यों नहीं पा रहा हूं। जो हुआ अच्छा हुआ, और मामा को इस शादी के लिए राजी होना पड़ेगा। जावियर, वेयर हैव यू बीन? शुक्र है खैर खैरियत से आ गए हो, फोन भी नहीं अटेंड कर रहे थे तुम। अरे तुम ठीक तो हो ना बेटा? भाई व्हाट हैपेंड, आर यू ओके? जावियर तुमसे कुछ पूछा जा रहा है, जवाब दो। मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। आप लोग काफी शौक होंगे सुन के, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है, इसलिए आप सबको मेरा फैसला मानना भी होगा। कौन सा फैसला? शादी का फैसला किया है मैं। बल्कि अभी अभी लड़की के घर वालों को जुबान भी देके आया हूं, और आप लोगों को इसी हफ्ते बकायदा रिश्ता भी लेके जाना है। ये क्या कह रहे हो बेटा?
ये आधी रात को कौन सा शादी का फैसला करके आ गए हो तुम? ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी भला? कौन है वो लड़की? दादो की दोस्त की पोती तुरेनाया। What? Have you lost your mind? Excuse me. नहीं, मैं इससे बात करती हूँ। रिगार, बैठो। लेकिन कसम से। कहा ना, बैठ जाओ। अब सावेयर से इस सिलसिले में कोई बात नहीं करेगा। मैं एक बात सोच रही थी। कौन छोड़े? आजकल के दौर में कौन अखबार पढ़ता है? बहुत ही कोई ओल्ड फैशन है। मैं सोच रही थी कि आपको क्या लगता है, सावेयर अपने घर वालों को इस रिश्ते के लिए मना लेगा? भाई, जमीन और आसमान का फर्क है उनके और हमारे स्टेटस में। तश्वीश तो मुझे भी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो अपनी जबान पे कायम रहेगा। अच्छा, चलो देखते हैं उसकी बात में कितना दम है। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो जो औरत है ना, इतनी आसानी से इस रिश्ते के लिए मान जाएगी। देखते हैं। इसका दर बदतमीज लड़कियां, तुम्हें गुसल खाने में बंद करके भाग गई। पता नहीं दादी, मस्करियां करती है मेरे साथ, नए नए तमाशे लगाती है। वो तो सब ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे भाई और भाभी को कैसे समझाऊंगी? मैं वो तो समझते हैं कि तुम में और जावियार में कुछ ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आपको मुझ पे भरोसा है, वरना मेरा यकीन कौन करता है? आखिर उन लड़कियों को तुमसे क्या दुश्मनी है बेटा? पता नहीं दादी, मस्करियां करती हैं, मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, मुझे बदनाम करने पे तुली हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों करती है। मेरा कसूर है कि तुम्हें मैंने नहीं सिखाया कि घर से बाहर निकल के लोगों से कैसे बात करनी, अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसे कैसे जवाब देना, मेरा कसूर। आपका कसूर नहीं है दादी, आपने तो अपनी नायाब को साबिर बनाया, उसे बुराई का जवाब अच्छाई से देना सिखाया है। और अपना मैं ऐसी हूं, मुझे यही अच्छा लगता है। बेवकूफ, इसीलिए तो मैंने तुझे कॉलेज भेजा था, ताकि तू लोगों में उठे बैठे तुझे दुनिया का पता चले, ताकि कुछ अकल आ जाए, कुछ समझ आ जाए। कल को मैं नहीं होगी तो धक्के अल्लाह ना करे दादी, आपके बगैर ना आपका दिल नहीं लगना इस दुनिया में, इसलिए ऐसी बातें मत किया करे। आप देख रहे हैं बेटा कि जावियर और उसके घर वाले क्या फैसला करते हैं।